क्या आप लोग जानते हैं कि मानसिक तनाव लेने से यानी कि मेंटल एग्जर्शन या मेंटल स्ट्रेस लेने से आपके बॉडी के अंदर फिजिकली भी बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा तनाव लेने से आपके बॉडी के अंदर फिजिकली सिम्टम्स आ सकते हैं, आपके शुगर लेवल स्पाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या फिर जो नॉन डायबिटिक भी पेशेंट्स हैं, उनके अंदर अगर स्ट्रेस लेने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है, तो उन्होंने नोट किया होगा कि उनको कभी सर में दर्द, कभी बॉडी एक यानी कि बदन दर्द, या फिर कभी कभी अननेसेसरली बहुत ज़्यादा थकावट, या फिर ऐसा महसूस होता है कि उनको नींद नहीं आ रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर हम कभी भी स्ट्रेस लेते हैं तो ये फिज़िकली हमें अपने बॉडी के अंदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर पेशेंट डायबिटिक है और उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा हायर साइड पे रहते हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो शुगर की लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर सकता है अगर वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस के अंदर बने हुए हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में स्ट्रेस कैसे एग्रावेट कर सकता है शुगर लेवल्स को, इसके जो है पीछे दो मेजर कारण हैं। सबसे पहला ये है कि हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं, हम जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेस हॉर्मोन है जो हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है, वो है कॉर्टिसोल, जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ये हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर कोई भी अगर स्ट्रेस लेंगे तो उनके बॉडी के अंदर इमीडिएटली ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये शुगर के लेवल को स्पाइक अप कर देगा, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन है उनका नेचर होता है हाइपरग्लाइसेमिक। तो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर के सारे हार्मोन्स हाइपरग्लाइसेमिक नेचर के होते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते रहेंगे, तनाव लेते रहेंगे, तो आपके बॉडी के अंदर जो ये कॉर्टिसोल है ये शुगर लेवल को बढ़ा देगा। और चाहे फिर आप अपना डाइट मैनेज प्रॉपर कर रहे हों, अपना मेडिकेशन भी टाइमली ले रहे हों, आपके शुगर लेवल कहीं ना कहीं बढ़े हुए नज़र आपको आएंगे। दूसरा रीज़न जो होता है, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अल्कोहल की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, स्मोकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अपना रुख कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने की वजह से वो अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। बहुत देर में सोना, बहुत देर में उठना, अपना जो खाने पीने का हिसाब किताब है उनका वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। अपने मेडिकेशन वो लोग टाइम पे नहीं लेते, और साथ ही साथ अपनी शुगर की मॉनिटरिंग भी नहीं करते, तो इस वजह से भी उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहने लग जाते हैं। तो अब अगर आपका जो टेंडेंसी है इस तरीके का कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स फॉलो करके अपने बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी के अंदर कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हॉर्मोन्स में सबसे पहला हमारा आता है डोपामिन, एंडोर्फिन्स। ये जो हॉर्मोन्स हैं ये आपके बॉडी के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो शुगर की मात्रा है वो ब्लड में कम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। दूसरा जो पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने किसी क्लोज़ वन से, अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर आप अपने मन की बात अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं, उस कंडीशन में भी आपका जो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं वो वेंट आउट हो जाता है, और यहाँ पर भी आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल होने लग जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप लाफ्टर सेशंस का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे जो योगा अकेडमीज़ होती हैं वो कुछ लाफ्टर सेशंस परफॉर्म करवाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि उसमें पार्क में जाकर बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ देर के लिए खुल के हंसने के लिए बोला जाता है, तो जब वो खुल के हंसते हैं उनके अंदर का जो सारा स्ट्रेस है, जो सारा तनाव है, वो बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है, और ये भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। वहीं पर अगर आप थोड़ा मिड 40s या 30s के एज ग्रुप में हैं और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशंस में आप ये कर सकते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने रूटीन में कोई कॉमेडी शो या फिर कुछ कॉमेडी मूवीज़ जो है वो देखना प्रेफर करें, इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा थ्रिलर मूवीज़ देखने के या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो स्टफ़ है वो कंज्यूम करने से। तो यहाँ पे भी अगर आप कॉमेडी की तरफ थोड़ा सा अपना रुख करते हैं तो ये भी आपके जो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है वो आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं।
मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ भी खाने पीने से पहले आप 10 से 15 मिनट रोज़ मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से भी आपके बॉडी के अंदर का जो मस्कुलर टेंशन है वो भी रिलीज़ होगा और मेंटली भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करते हैं, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत हद तक मैनेज हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है कि डाइट मैनेजमेंट, एक प्रॉपर रूटीन, मतलब आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल और साथ ही साथ आपका मेडिकेशन, इन सबको आपने एक साथ में फॉलो करना है। अगर आप एक साथ में ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो यहाँ पे जो आपके शुगर लेवल्स हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी अगर आप शुगर का कोई भी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।